बनिए सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं इस वक्त अब आज की खास चर्चा। और आज की खास चर्चा, पीएम ने जो विशेष अनुष्ठान शुरू किया है 11 दिनों का, उस पर और जो उन्होंने खास तौर पर ऑडियो संदेश दिया है। तो पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, तो वहां पर उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन पूजन भजन सब कुछ किया। 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला होंगे विराजमान। तो पीएम ने आज से 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम ने अपने अनुष्ठान की शुरुआत नासिक के ऐतिहासिक कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया। शबरी के राम, रैदास के राम, कबीर के राम, भक्तवत्सल राम की बात होगी तो पंचवटी में स्थित कालाराम मंदिर की चर्चा तो जरूर होती है, बड़ा ही ऐतिहासिक मंदिर है। पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से पहले देश के नाम एक संदेश भी जारी किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है, पीएम ने खास तौर पर कहा। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खास संदेश दिया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है, प्रधानमंत्री ने अपने ऑडियो संदेश में ये बातें कही। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं, पहली बार मैं जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने अपने उद्गार इन शब्दों में व्यक्त किए हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसके सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है, निमित्त मात्रम भव, पीएम ने यह खास संदेश दिया है। अयोध्या जाने से पहले पीएम का नासिक के पंचवटी में आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि श्री राम ने इसी पंचवटी में कुटिया बनाकर अपना अनुष्ठान शुरू किया था। पीएम मोदी ने आगे अपने संदेश में कहा कि आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे मार्गदर्शन मिला है। साथ ही पीएम ने कहा कि इन महापुरुषों ने जो यम नियम सुझाए हैं उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। पीएम ने कहा कि मेरा यह सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। आगे पंचवटी के बारे में उन्होंने बताया कि पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। और साथ ही पीएम ने कहा कि आज मेरे लिए एक सुखद संयोग यह भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की भी जन्म जयंती है। उन्होंने आगे कहा कि ये स्वामी विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक और महान आत्मा का जिक्र किया। आज माता जीजाबाई जी की भी जयंती है, जन्म जयंती। माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही पीएम ने अपने संदेश में कहा कि जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की याद आना बहुत स्वाभाविक है। पीएम ने बताया, मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीता राम का ही नाम भजा करती थी। पीएम ने आगे कहा, साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे, आप मेरे साथ होंगे।
550 सालों के लंबे संघर्ष और बलिदान की लंबी गाथा में हजारों ऐसे लोग रहे हैं जिनके जीवन का लक्ष्य अपने रामलला के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण रहा। आज वो सपना साकार हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, विध्वंस से ज्यादा ताकत निर्माण की होती है। क्या कुछ खास प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, सुनवाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। का ये खास संदेश, श्रमदान करने का उन्होंने संदेश दिया है सभी के लिए। और जिस तरह का अनुष्ठान होना है उससे पहले प्रधानमंत्री ने जिस तरह 11 दिनों का यह विशेष अनुष्ठान रखा है, अपना संदेश दिया है, इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं हम। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं और साथ में हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान हैं और उन विशेष मेहमान का मैं परिचय कराऊं। कामेश्वर चौपाल जी हैं जो कि सह सदस्य हैं राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के और इनके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के। और साथ में इनका एक विशेष परिचय मैं ज़रूर बता दूं कि कामेश्वर चौपाल जी वही हैं जिन्होंने कि 1989 में पहला ईंट रखा था। बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन और राम राम आपको। मैं आपके पास आता हूं, आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगा। विनोद जी, आज बहुत बेहद खास दिन हमारे लिए है कि कामेश्वर चौपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि पहले जरा आप जरूर इस चीज का जिक्र कर दें कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से ये 11 दिन का विशेष अनुष्ठान और किस तरह खास ऑडियो संदेश दिया है। लाल जी, अद्भुत, जो अतुलनीय जो अभी क्षण है जी, राम मंदिर निर्माण के साथ में रामलला विराजमान की वहां प्राण प्रतिष्ठा की जी, अभी देश में माहौल देखिए। हाँ, एक दिव्य और भव्य राम मंदिर का जो सपना संजय हुई है पिछले बरसों बरस से, 500 साल का ये लंबा संघर्ष, सैकड़ों हजारों लोगों का बलिदान और इस अभूतपूर्व क्षण के इंतजार में आप सोचिए कई पीढ़ियां बीत गई होगी और उसमें ये सपने को साकार होते हुए देखते हुए लोगों को जो आज पीएम ने संदेश दिया है, आप कह सकते हैं कि बहुत भावुक पल है। एक एक शब्द जो पीएम के उस संदेश में है, कोई भी, मैं खुद अभिभूत हूँ उन सब चीजों को सुन के और सबको बात करते हुए कि पीएम ने किस तरह से उसके ऐतिहासिकता, उसके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए जो देश और दुनिया में जो लोगों की एक ललक रही है, रामलला की विराजमान के उस मंदिर की स्थापना को लेके जो एक सपना है वो साकार होते हुए देख रहा है लोग। तो आज उन्होंने एक तरह से, आप कहते हैं ना, कोई कोई भव्य आयोजन होता है तो उसका एक काउंटडाउन शुरू होता है, तो वो आप कह सकते हैं कि 11 दिन का जो उन्होंने एक अनुष्ठान की बात शुरू की है और उसके साथ जब आप कह रहे थे निमित मात्रम, तो किस तरह से उस भाव को दिखा रहे हैं कि अब पूरे ये प्रभु ने मुझे ये इस तरह का एक आशीर्वाद दिया है या उनपे एक इस तरह का उनको सौभाग्य मिला है जो 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधित्व बनने के लिए वो निमित्त रूप में जा रहे हैं। तो ये निमित्त मात्र का जो भाव है उस भाव को समझने की जरूरत है कि देश और देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ देश को रिप्रेजेंट करते हुए 22 जनवरी को जब इनका भव्य रामलला मूर्ति का जब वहाँ पे अनावरण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उसमें पूरा देश की जो भावना है वो सारे भावना उनके साथ होगी। बिल्कुल जी, निमित्त मात्रम की हम बात कर रहे हैं विनोद जी, और कामेश्वर चौपाल महाशय भी, मतलब ये सौभाग्य की बात है कि ये भी निमित्त बने थे
ईंट का शिलान्यास करने वाले, पहली ईंट डालने वाले, मैं ज़रूर उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। कामेश्वर चौपाल महाशय, आपसे सबसे पहली बात ये कि आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे जिसे कहते हैं ना कि एक स्वप्न का सत्य हो जाना, और क्या उद्गार आपके इस समय हो रहे हैं जब आप बिल्कुल देख रहे हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देखिए, वास्तव में स्वप्न का साकार ही स्वरूप आज सामने दिखाई देता है। जिस समय में हम लोग राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े थे, जी, तो वह समय ऐसा नहीं लगता था कि बड़ी आसानी से ये सारा विषय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस दायित्व को हम लोगों ने ग्रहण किया था, जी, वो कई पीढ़ियां पहले से निभा चुकी थी, और लंबा काल का वो संघर्ष था। उस संघर्ष को आजाद भारत में जब प्रारंभ संतों ने किया था, तो अंत में यह संघर्ष आया था विश्व हिंदू परिषद के हाथों। संतों के स्मार्ट से हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि उसमें जो हमारे सिद्ध संत लोग थे, उनका कहना था कि समय पूर्ण हो गया है, राम मंदिर बनेगा, निरंतर काम में लगे रहो। और हमारे अशोक सिंघल जी जो हमारे नायक थे उस समय इस आंदोलन के, जी बड़े बहुत बड़ी भूमिका थी उनके, उनके नायक का जो विश्वास होता है वो ऐसा अधिक विश्वास था कि संत कह दिए तो वो कहते थे कि सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए अशोक जी कहते थे कि मिथ्या न हो ये देव ऋषि वाणी, यदि संत ने कह दिया है तो वो सिद्ध होगा ही, जी, अपने काम में लगे रहो, संकल्प का विकल्प मत खोजो, सिद्ध करके ही रुकना है। और मैं समझता हूँ कि आज उसी का परिणाम है, संतों ने जिस बात को कहा था वो आज सिद्ध हो रहा है। 22 तारीख को प्रभु राम जी अपने जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर को, मैं लौटता हूं आपके पास, आपके उद्गार को तो और ज़्यादा हम लोग सुनना चाहेंगे, और जिस तरह से ये पूरा का पूरा जो यात्रा पूरी रही है इस पर भी हम लोग बात करेंगे ज़रूर। लेकिन उससे पहले ज़रा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑडियो संदेश में क्या कुछ खास कहा है। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी, हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। ये भाव विभोर वाले उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑडियो संदेश में दे रहे हैं। ऑडियो में चर्चा को जारी रखते हैं, आगे भी मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि इनके और जो इनका हिस्सा है ऑडियो संदेश का वो सुनवाता रहूं बीच बीच में, लेकिन चर्चा भी बीच बीच में कर रहे हैं हम लोग। विनोद जी, अभी कामेश्वर चौपाल महाशय ने जिक्र किया कि किस तरह से यात्रा की शुरुआत हुई थी और संकल्प को लेकर के कैसा विश्वास था, वो संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है,
प्रधानमंत्री भी बड़े भाव विभोर नजर आ रहे थे अपने ऑडियो संदेश में। विनोद जी, प्रधानमंत्री का जो भाव विभोर आप देख रहे हैं उसके पीछे जब कामेश्वर चौपाल जैसे कार्यकर्ताओं का जो विश्वास आपने देखा जी, उनके शब्दों में जो विश्वास था, उनके शब्दों में जो इस बात की एक झलक थी कि वो एक संकल्प से सिद्धि कैसे होती है, उसकी बात वो बता रहे थे लाल जी। लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि पूरे देश में आप ये देखिए जो माहौल बना है, ऐसे अवसर तो कई प्रधानमंत्री के साथ में आया था जरूर कि वो चाहते तो ये बात कर सकते थे। कामेश्वर जी खुद साक्षी रहे हैं 1984 से, उस समय से जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कई ऐसे मौके आए होंगे जहां लगा होगा कि ये आज बन जाएगा, आज ये बात बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखिए कई साल लग गए थे इसको, ऐसे कभी वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा था, कभी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बननी थी बेंच वो नहीं बन रहा था। इतनी बाधाएं, इतनी सारी चीजों को पार करते हुए जो कामेश्वर जी कह रहे थे ना कि संतों की वो वाणी थी और वो बात पूरी होनी थी, बात अशोक सिंघल कह रहे थे तो मुझे भी खुद लग रहा है कि मैं भी कई चीज जगहों पे करीब से मुझे भी देखने का मौका मिला है। लेकिन मैं जब कहता हूँ कि ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है तो उसके पीछे ये आत्मविश्वास भी है लाल जी। मैं कई बार अपन लोग चर्चा में करते रहे हैं इस चीज को कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बनारस आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और जब वो माँ गंगा बुलाए थे, वो बनारस में जीतने के लिए माँ गंगा ने नहीं बुलाया था उनको। ये जो भारत के सांस्कृतिक धरोहर है उस बात को जब आप कहते हैं कि विकास के साथ विरासत भी, तो विरासत कैसे संभाला जाता है और विरासत की दिव्यता कैसे लौटाई जाती है, ये उसकी एक झांकी है कि जब आप देखते हैं कि पूरे देश की ललक, पूरे जनमानस का अगर कोई अभी इस दौर में आकर्षण है तो वो सिर्फ राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो अवसर है। बिल्कुल, इसलिए आज से प्राइम मिनिस्टर मोदी उस काला राम मंदिर से शुरू किए हैं अनुष्ठान से, जहां काला राम मंदिर में डॉक्टर अंबेडकर का सत्याग्रह हुआ था जी। ये इतिहास को भी हमें जानना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस काला राम मंदिर के लिए सत्याग्रह किया था जहां पे अछूतों का प्रवेश के लिए एक तरह से उन लोगों ने एक वर्जित किया उस समय, एक उस समय में एक धारणा थी लोगों को। और वो मंदिर जो है जिसको आप कह सकते हैं कि जब आप कहते हैं ना सबरी के राम, रैदास के राम, रसखान के राम, रहीम के राम, वो राम की जो दिव्यता है, वो सबके राम, जब समाज के सारे लोग, सामाजिक भागीदारी के राम, जो समाज के भक्ति के राम जी, उस राम की बात जब आप करते हैं तो उसको पुनर्स्थापित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी आज काला मंदिर के उस प्रांगण में जाके अनुष्ठान करते हैं और 11 दिनों की जो अपनी अनुष्ठान है उसकी आज से शुरुआत करते हैं। बाकी बात तो चौपाल जी हमसे ज्यादा, मैं बिल्कुल उनके पास जा ही रहा हूं, कामेश्वर चौपाल महाशय के पास जा रहा हूं। मुझे ये जानकारी मिली है कि आप अभी भी किसी कोई खास कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, बिहार से आपका नाता है, बिहार भगवान श्री राम का जो मिथिलांचल था वो ससुराल था, आप अभी भी इस समय के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें आप व्यस्त भी थे लेकिन आपने हमारे लिए समय निकाला, मैं चाहूँगा ज़रूर उस विशेष अनुष्ठान के बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मैं समझता हूँ कि इस देश में राम और सीता जी दोनों ही इस देश का प्राण तत्व है जी, जन जन के मन में राम है और हर प्राण में सीता है। राम जब आता है तो व्यक्ति को आराम मिलता है, राम जब जाता है तो व्यक्ति विराम हो जाता है। तो जैसे राम की प्रतिष्ठापना में 500 वर्ष लगा और लोगों ने प्रतिस्थापित करके आज जिस प्रकार का उत्साह का, उमंग का, उल्लास का वातावरण है, लगता है कि आज से लाखों वर्ष पहले जब राम लंका विजय करके आए थे उस समय जो अयोध्या का उल्लास था तो वो केवल अयोध्या में उल्लास था, और आज तो लगता है कि पूरे भारत वर्ष में ये उल्लास है। लगता है कि राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या आ रहे हैं जी। उसी तरह से माँ जानकी जो उनकी माँ जानकी जो हमारे मिथिला की समझिए कि बेटी थी, तो माँ जानकी भी जब यहां से गई थी
तो माँ जानकी लौट के नहीं आई थी। और इस समय मैं एक घटना सुनाऊं आपको जरूर। जब मैं राम जन्मभूमि पर में जो आज अनुष्ठान हो रहा है 22 तारीख को होने वाला है, तो उससे पहले हुआ था कि जो प्रतिमा वहां प्रतिष्ठापित होगी उस प्रतिमा के लिए देश भर से पत्थर खोजे जा रहे थे। हम लोगों से कहा गया कि आप चले जाइए नेपाल के अंदर जो गंडकी नदी है वहां का जो देव पत्थर है उससे जब प्रतिमा बनेगी तो वो शांति सुख और समृद्धि का द्योतक होगा, इसलिए वहां से लाए। वहां से हम लोगों जब प्रतिमा लेकर के चले थे तो बिना किसी प्रचार का, बिना किसी प्रसार का, किसी प्रकार की सूचना का, केवल लोगों को जानकारी मिली थी कि राम जी की जो प्रतिमा बनने वाली है वो पत्थर नेपाल से चल के अयोध्या जाने वाला है इस मार्ग से। लग रहा था कि उस समय की त्रेता युग लौट के आ गया जी। जनकपुर से लेके अयोध्या तक एक इंच भूमि खाली नहीं कहीं दिखाई दी। आवाज बंद थे, लोग रोड के किनारे आके खड़े थे और सबको लगता था, संयोग ऐसा था कि उसमें दो शिलाएं थी। एक शिलाएं जो बड़ी थी और वो चामले रंग की थी, दूसरी शिलाएं थोड़े गोरे रंग की थी और वो छोटी थी। लोगों को लगा कि नहीं, भगवान त्रेता के बाद अब आए यहां से और हो सकता है कि सीता और राम दोनों जा रहे हैं। अच्छा, एक झलक देखने के लिए और छूने के लिए लोग लगता था कि अपने सब कुछ छोड़ के दौड़ रहे हैं। और ये स्थिति इतना भावुक करने वाली थी कि जब मैं बिहार के सीमा को पार कर रहा था, रात्रि 10 बज रहा था, उस समय 5 लाख से अधिक लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर उस यात्रा को छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश आए हुए थे। उसमें जो माताएं थी, बहनें थी, वो ऐसी भावुक थी कि लगता था कि सीता जी को विदाई करके छोड़ने जा रही है। अनुपम दृश्य। कहती थी कि माँ सीता धरती से आई और धरती में समा गई, उनका कोई नहीं हुआ। और उसी दिन मेरे मन में एक संकल्प जगा जी कि नहीं, वास्तव जहाँ माँ सीता का प्रागट्य हुआ था उस भूमि को, जैसे राम की जन्मभूमि को हम लोगों ने भव्यता और दिव्यता के साथ बनाया और 22 तारीख को प्रभु राम उसमें प्रतिष्ठापित होंगे जी, वैसे ही हम इस संकल्प में लगे हुए हैं कि हम सीता के भूमि को भी उसी प्रकार से भव्य दिव्य बनाएंगे और ऐसे ही संसार में हर्षोल्लास का वातावरण बनेगा जी, वहाँ राम रहेंगे और यहाँ सीता की भूमि भी उतने ही पावन ढंग से भव्यता और दिव्यता के साथ प्रतिष्ठापित होगी। बिल्कुल, और वो जो प्रयास आपका है, अभी जो मैं प्रयास कर रहा था कि सीता से आज भी राम का जो जुड़ाव है वो अभिन्न है। हमारे लिए सौभाग्य है कि मैं मिथिला का हूँ, तो राम हमारा परमात्मा भी है, हमारे राजा भी है और राम हमारे घर के कुटुंब भी है। बिल्कुल, मिथिला के लोग जी, राम जी, को अपना संबंधी मानते हैं। हाँ, और मिथिला में जी कहते हैं उनको, जो घर जमाई है उनके स्वागत, उनका सम्मान तो जबरदस्त होता है जी। तो उन दुल्हा का गृहवास हो रहा है तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे थे जी जी जी। अभी सीता जी का जन्म हुआ है वहां से जी जो संदेश होना चाहिए उस संदेश की तैयारी कर रहे थे जी। कल हम लोग यहाँ से विदा होंगे जी। लगभग 500 लोग 100 गाड़ियों से सारा संदेश लेकर जाएंगे और ये भेंट हम राम जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। यह हमारी ओर से भेंट है, अनमोल भेंट, मिथिला के साधु संत और समाज की ओर से जा रहा है, अनमोल भेंट है। मैं और भी आपसे इस पर
इस पर हम मैं आपसे और भी बात करूंगा, विनोद जी से भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले प्रधानमंत्री ने जो ऑडियो संदेश दिया है उसका एक और हिस्सा हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। क्या कुछ इस मौके पर खास कहा है प्रधानमंत्री ने? मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। निमित्त मात्रम प्रधानमंत्री का ये जो ऑडियो संदेश है, जिस तरह से विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की जीवन से, उनकी प्रेरणा से प्रधानमंत्री ने जोड़ा है, वाकई अद्भुत है। चर्चा जारी रखते हैं। विनोद जी, अभी हम कामेश्वर चौपाल जी से सारी चीज़ें सुन रहे थे और लगता है कि बस सुनते ही रहें। जब वो सुनाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहें। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपसे यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर पूछना चाहूँगा कि देखिए कि अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है 550 सालों के संघर्ष के बाद, जो 550 सालों का इतिहास रहा हम सब जानते हैं, तो आज कुछ अलग अलग लोग आ जाते हैं अलग अलग दावे लेकर के, जो 550 सालों में कहीं दिखे नहीं, अब आकर के अलग अलग चीजें कहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं किया वो नहीं किया, जबकि जो बताते हैं वृत्तांत कामेश्वर चौपाल जी वो तो दास्ता कुछ और है। लाल जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। मैं कामेश्वर जी जो भी बता रहे थे, मैं उसी की बात कह रहा हूं। हाँ। कि इस देश ने जनभावनाओं को किस तरह से धुतकारा, इस देश ने जनभावनाओं को किस तरह से निराश किया, ये बात जब आप कहते हुए जब बात कहते हैं तो अशोकनाथ मंदिर आपको जाना पड़ेगा। इतिहास के सामने में ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्या इस विध्वंसों को आप इसी तरह अपने पीढ़ियों के लिए छोड़ते जाएंगे? या इस जो भारत का जो एक गौरव है, भारत की सांस्कृतिक जो वैभवता जो उसकी रही है, उसकी एक झांकी के जो हमारे इतने गौरवशाली हमारे प्रतिष्ठान थे वो विध्वंस में पड़े हुए थे, और जब उसकी शुरुआत हुई निर्माण की, जब पटेल सरदार पटेल की तरफ से हो, मुंशी जी की तरफ से हो, या राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर उस समय में जो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से हो, वो पहल जब शुरू हुई थी तो नेहरू जी किस तरह से उसको विरोध करने के लिए आए थे कि आप भावना के साथ नहीं जा सकते हैं। अगर ये देश जन भावना के साथ नहीं जाएगा तो फिर देश का अस्तित्व क्या रहेगा? बिल्कुल। ये बात कहते हुए जब वो राजेंद्र प्रसाद से जब नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी तो उन्होंने कहा था, जो बात आप अपनी रिपोर्ट में भी कोट कर रहे थे, कि विध्वंस से बड़ी ताकत निर्माण की होती है। हाँ। और क्या आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की अपना एक धर्म है, अपनी उस धर्म की एक मर्यादा है, दूसरे के धर्म को सम्मान करना एक उचित बात है, लेकिन उसके एवज में लोग अपना धर्म भूल जाए, ये उचित नहीं है। और वो जब बात होती है तब लोग, कुछ लोग कहते हैं, ये सवाल करते हैं कि धर्म को राजनीति में मिलाया जा रहा है, जो मैं कामेश्वर जी का सुन रहा था। कि धर्म और राजनीति की बात आप देखिए कि अगर धर्म में राजनीति नहीं है तो फिर वो राजनीति में धर्म नहीं है, तो राजनीति तो क्रूर हो जाएगी, उसमें तो कोई उसका कोई एक तरह से नैतिकता उसमें होगी नहीं। जब गांधी जी जैसे लोग कह रहे थे कि मैं सनातनी हूं और मुझे सनातनी होने पर गर्व है, तो इस बात को गांधी जी के ही अनुसरण करते हुए कांग्रेस पार्टी इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? इस बात को समझने में जब वो धर्म और राजनीति की बात करते हैं तो बात देखिए, करोड़ों करोड़ों लोगों की जो 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां गुजर गई होगी राम मंदिर आंदोलन में, तो धर्म के बाद पहले जब तक उसमें राजनीति नहीं आई थी तब तक वो चेतना और जनभागीदारी सड़क पे नहीं आई, ये आंदोलन नहीं बना, ये उसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी जो पूरे देश की भावना इसमें जुड़ी थी।
तो इस बात को समझते हुए आज अगर मान लीजिए तर्क देखिए कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जब उन्होंने निमंत्रण ठुकराया है जी। उनका अब तर्क है कि शंकराचार्य इस बात से सहमत नहीं है इसके तिथि से हाँ। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन है कि देश के शंकराचार्यों का स्पष्टीकरण आ चुका है। अब ये सवाल है कि कांग्रेस पार्टी को इन शंकराचार्यों की ढाल लेने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि आपके मन में जो चोर है आप सीधे सीधे नहीं जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप शंकराचार्य को ढाल बना रहे हैं। बिल्कुल। तो कामेश्वर जी आपको बताएंगे कि ये मंदिर का आंदोलन जिसमें समाज के लोगों का आंदोलन था, जिसमें ये देश की जो अपनी चेतना थी वो चेतना जब जगी थी तब ये देश की शुरुआत हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने संदेश में विवेकानंद की जिक्र करते हैं जी। तो विवेकानंद एक दौर में उस चेतना को जगाए हुए थे और वो जब चेतना को जगाया तब देश में जो एक स्पिरिट शुरू हुआ लड़ने का अपने देश के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में जब देखा उसमें विवेकानंद जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो वो चेतना किस तरह से जगा ये बात आप कामेश्वर जरूर, ये चेतना किस तरह से जगा कामेश्वर चौपाल महाशय, ये इस पर भी खास तौर पर विशेष रूप से बात। और दूसरी बात ये भी कि जो विनोद जी जिक्र कर रहे थे कि देखिए आज जो ना अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल जाती है, कोई आता है रामचरितमानस के बारे में कुछ कह जाता है, कोई आता है कहता है मंदिर का क्या उपयोग है, इस तरह की बातें कह करके चला जाता है। जबकि किस तरह से ये जो चेतना जगी और इस चेतना किस तरह से ये समवेत चेतना थी और उस समवेत चेतना में विभाजन का जो ऐसा प्रयास होता है तो निश्चित रूप से आश्चर्य होता होगा आपको भी। देखिए चेतना का जहाँ तक प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि देश की इतिहास काफी लंबी है जी, हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद इस देश में सभी समाज के लोग लड़े, पूरा देश लड़ा, खंड खंड में लड़ा प्रारंभिक समय में, तो कई विद्रोह हुए, संथाल विद्रोह से लेकर सन्यासी विद्रोह तक, और एक साथ चेतना जागृत कैसे हुई थी। यदि आप संन्यास विद्रोह के तरफ देखेंगे तो संन्यासी विद्रोह में एक गीत गाया गया था जी, जिस गीत का उल्लेख बंकिम चंद ने अपने पुस्तक आनंद मठ में किया था जी जी, वंदे मातरम का। बिल्कुल। तो वो वंदे मातरम गीत ऐसा चेतना जागृत किया देश में कि हम सबों को लाखों वर्ष पूर्व की जो चेतना थी वो सबको जागृत कर दिया। हम सबको एहसास होने लगा कि हमारे पुरखों ने इस धरती को केवल भूमि नहीं माना है, ये भूमि का टुकड़ा नहीं है, तो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने इस धरती को मातृवत माना है, माता भूमि पुत्रो हम प्रतिव्या। बंकिम चंद के एक शब्द भारत के बोध से जो चेतना जागृत हुई थी जी, वो संपूर्ण देश को जगा दिया था। देश के नौजवान के अंदर ये फीलिंग्स पैदा कर दिया था कि भारत हमारी माँ है और हमारी माँ हमारे कोटि कोटि पुत्रों के रहते हुए भी गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई है, हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस भारत माता को गुलामी से मुक्त कराएंगे, ये चेतना जागृत हुआ था। वैसे ही राम जन्मभूमि की चेतना आज ये कांग्रेस इसको भूल रही है, इसमें आजादी की चेतना राम नाम से ही गांधी ने जागृत किया था। जब गांधी जी जाते थे कांग्रेस के प्रचार करने तो बैठकों में पहले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बात करते थे, और राम के नाम की चेतना जागृत करके ही कांग्रेस को एकदम नीचे तक ले गए थे गांधी जी जी जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जिस राम नाम के मंत्र महामंत्र के कारण से देश में व्यापा था, जिस मंत्र के उद्गाथा गांधी थे, आज वही कांग्रेस राम को छोड़ दिया लेकिन गांधी में जो गांधी था उसको लगा करके देश को
अगने का काम कर रहा है। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूँ कि राम राम की जो चेतना, राम नाम की जो चेतना है जी, वो वैसी ही चेतना है जी, जैसी चेतना भारत हमारी माँ है जी, और हम उसके पुत्र रूप समाज है जी। वह आजादी के समय हमारे देशों के जवानों के मन में जब आया था तो हम सात समुद्र पार कर दिए थे अंग्रेज को यहाँ से, ठीक वैसे ही यह जो राम नाम की चेतना अभी जागृत हुई है वो हमारे समाज से जाति का, पाति का, अगरा का, पिछड़ा का, ऊंच का, नीच का, सबको समाप्त कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि उस राम नाम की चेतना से 140 करोड़ के नागरिक द्वारा चुने हुए जो प्रधानमंत्री है वो चेतना ग्रस्त हो गए हैं, और वो काला राम के मंदिर से जो प्रारंभ हुआ है जी, वो समझिए सामाजिक समरसता का ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा, जहां पर अंबेडकर ने पानी पी के लिए अनशन किया था, पानी पीने के लिए, और वहीं से प्रधानमंत्री ने चेतना जागृत करने के लिए आज राम का वो संकल्प लेकर के चले हैं। मैं समझता हूँ उनका यह स्थान सफल होगा और देश राम के महामंत्र में, जैसे राम राज्य में सब लोग एक साथ रहते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ बैठते थे जी, और राम का और राम राज तब आया था जी, जब राम सबरी को माता कहने के लिए और अपने समाज के कमजोर बंधु को मम प्रिय भरत सम भाई का कर गले लगाने की स्थिति पैदा किए थे। उसी तरह से नरेंद्र मोदी का यह अनुष्ठान समाज में प्यार का, बंधुता का, समता का, समरता का संदेश देगा। राम राज की प्रतिष्ठापना के दिशा में ये समाज को चलने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बिल्कुल, ये साबित होगा। आपने माता शबरी का उदाहरण दिया है, निषाद राज जिनको मित्र मानते, जो मित्र थे प्रभु श्री राम के, उनका उदाहरण है। इन सब बातों पर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो प्रधानमंत्री का जो ऑडियो